ये देख, मैंने ना खरबूजों के अंदर ना पानी डाल दिया है। अब इससे क्या होगा, इससे बढ़ जाएगा खरबूजों का वजन, क्योंकि पानी अंदर जाके ना इसका वजन बढ़ा देगा। तुझे पता है ये खरबूजे मैं कितने में खरीद के लेके आई थी? ये ना पुराने खरबूजे थे, सब ना मुरझा रहे थे, और ये ना 5 रुपए किलो में मिले मेरे को। और अब ना इनके अंदर मैंने पानी भर के जो इनको बनाया है ना, इसको मैं बेचूंगी पूरे 60 रुपए किलो में। 60 क्यों, मैं 100 रुपए किलो में क्यों बेचूं इसको? और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि दूर दूर तक ना यहाँ पर कोई भी नहीं है खरबूजे और सब्जियां बेचने वाला। तो लोग चाहकर और ना चाहकर मुझसे ही लेंगे, क्योंकि हिसाब लगाएंगे तो पेट्रोल भी उनको उतने का ही पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि ना बादाम खाओ और बुद्धि बढ़ाओ। थोड़े बादाम तू भी खाया कर। हाँ ठीक है, लेकिन अभी आप नीचे आ जाओ वरना आके देख लेगा। अबे तू मेरे को छोड़, मैं रोज करती है, कभी तरबूजे में कभी आम को पीला, रोज का काम है मेरा। कमाल है, कमाल का बिजनेस है, बिजनेस। अरे साहब जी क्या कर रहे हो, देखने के भी पैसे लगते हैं यहाँ पर। लड़की देखने आए हो क्या अपने लिए, तो ऐसे देख रहे करके? अरे मैडम लड़की देखने नहीं आया, मैं अपनी बीवी के लिए फ्रूट्स खरीदने आया, फ्रूट्स। हाँ तो सीजन का फ्रूट खरीदो ना आप, ये ले जाओ खरबूजे। तरबूज तो अभी मीठे नहीं आ रहे हैं, आप खरबूजा ले जाओ। और खरबूजे ना ये बहुत अच्छे हैं, इनके अंदर ना बहुत ज्यादा रस है, और इतना रस ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये देखो भी रहे हैं, देखो पानी टपक रहा है इनमें से। जब एक्स्ट्रा चीज हो जाती है तो बाहर टपकने लगती है ना। मतलब मैडम इनके अंदर पानी होता है? अरे बेवकूफ आदमी, इसके अंदर पानी नहीं होता, पानी की पूर्ति करता शरीर के अंदर। अरे रुक जा यार, ग्राहक है वो अपना, इस तरीके से थोड़ी ना बात करते हैं ग्राहक से। बाकी मेरी बात सुनो, ये देखो मधुमक्खी उभरी कितना मीठा आई है। आप ना एक काम करो, आप ना 1 किलो लेके जाओ, और उसके बाद में ना खाकर हमें बताना कैसा है, और फिर ना दोबारा हमारी दुकान पे फिर आते रहना। 100 रुपए किलो है, बताओ कितने का? अरे मैडम पिछले वाला दुकान वाला तो 20 रुपए किलो दे रहा, आप 100 रुपए किलो दे रहे हो, और मंडी में जाएंगे तो 10 रुपए किलो मिल जाएगा। साहब जी बात बताओ, पिछले दुकान वाले ने आपको ऐसे हिला के पानी निकाल के दिखाया? नहीं ना, क्यों दिखाएगा, वो ना सड़े हुए खरबूजे होते हैं, 4 दिन पुराने सूखे हुए होते हैं, ये आपको ताजी मिल रहे, पेड़ से तोड़ तोड़ के लेके आए हैं हम लोग। अब आपने जल्दी दिखाओ कितने से। पेड़ से मैडम, खरबूजे पेड़ कब से लगे? नीचे तो होते हैं ना। हाँ सही बोल रहे हो मैडम, थोड़ा डिस्काउंट तो करो, मैं 2-3 किलो ले लूंगा, मेरी पत्नी को बुखार है, काफी टाइम से डॉक्टर ने बोला फ्रूट्स खिलाओ, और फ्रूट्स थोड़े महंगे हैं ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा डिस्काउंट कर दीजिए। पैसे ज्यादा प्यारे हैं, बीवी ज्यादा प्यारी है? बीवी। अरे साहब जी आप एक काम करो, आप जाओ तो देखा, वक्त है हमारा कोटी मत करो, पोनी का वक्त है। हमें लगा था कि आप आ रहे हो कुछ पैसे वाले जैसे लग रहे हो, तो पैसा दोगे, पर आप तो भूखे रंगे निकले। पर कोई बात नहीं। अरे मैडम मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, 2-3 बीवी है मेरी, आप पैसा बोलिए कितना चाहिए। ये देखिए मैडम मेरे लिए ना 3 किलो करो, 3 किलो, 4 किलो, 4 किलो करो। अरे आपने एक काम करो, 5,000 में सारे ले जाओ। 5,000 में सारे? अरे अच्छा डिस्काउंट है रे, मैं मैथ में थोड़ा कमजोर हूँ। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, 5,000 रुपए दो। अरे 5,000 में ये सारे दे दिए, 50,000। अरे भैया जल्दी करो। मैडम पैक कर दो। मैडम छाती पे थोड़े रखोगे, पन्नी तो होगी तुम्हारे पास? पन्नी नहीं रखते ना, गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं हम लोग। काम करो ये रखाओ फिर आ जाना। अरे मैडम मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैडम जा रहा हूँ, चिल्ला मत, पैसे दिए मैंने, मैं इस क्रेट में रख लूँ? अरे रुक जाओ रुक जाओ, अभी क्रेट में क्या, पूरी PCR वैन में लेके जाऊंगा मैं, पर इन खरबूजों को नहीं, इन दोनों को। अरे साहब जी हमने ऐसा क्या कर दिया, आपको खरबूजे चाहिए तो आप फ्री में ले जाओ, आप तो वैसे भी हराम को हुए हो। ए फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है, और तू क्या दांत फाड़ रहा है, एक थप्पड़ में ना तेरे सारे दांत नीचे गिर जाएंगे। आप गरीबों को से इस तरीके से बात नहीं कर सकते, क्या कर रहे हो, आपके खरबूजे खराब हो जाएंगे। सर ये मैंने ले लिए सारे, इनको मत छेड़िए, आपको छोड़ लीजिए। अबे तेरी आंखें के बटन है, ये देखियो ये क्या है, ये लाल रंग निकल रहा है सारे खरबूजों में से, ये खरबूजे लिए तूने? हाँ ये लिए, ये देख। अरे वो रहते साहब जी, रहते लाल लस कौन से खरबूजे में से निकलता है भाई, ये विदेशी है ना। विदेशी? अब मैं तुम्हें जब मार दूंगा ना, तो तुम जरूर विदेश की जेल में पहुंच जाओगे। क्यों क्या करते हो, पाइप लगा लगा के खरबूजों का वजन बढ़ाते हो पानी डाल डाल के, वो भी लाल पानी डालते हो, जिससे कि लोगों को पागल बना सको कि रसे रसे। और 10 रुपए किलो के खरबूजों को पहले तो तुम वजन बढ़ाते हो, और उसके बाद 100 रुपए किलो में और बेचते हो। दीदी अब समझ आया मेरे, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, अभी ना इसने मेरे से हफ्ता मांगा था 5,000 रुपए, इसको मैंने दिए नहीं ना, इसलिए हमारी ग्राहकी खराब कर रहा गया, तब आप ये खरबूजे लेके जाओ। अबे ओए तमीज से बात कर पहले। अरे नहीं सब्जी में पच्चा है,
साहब जी, अब आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो फिर अब आप बताइए कि आपको बंद करने के लिए कितने पैसे लेंगे। सर रिश्वत देने की बात कर रही है आपको ये? रिश्वत? रिश्वत बेटा मुझे लेनी होती ना, 40-50 लोग हॉस्पिटल में पड़े ना, उनके पास एक एक पे जाके खबर नहीं लेता कि तुमने क्या खाया क्या नहीं खाया। सब लोग एक ही चीज बोल रहे थे कि एक लड़की के पास गए थे वहां से फ्रूट ले रहे थे, एक लड़की के पास गए थे वहां से फ्रूट ले रहे थे, और तू लड़की मुझे दी कि मैं तुझे बहुत देर से खड़े होकर वहां पर नोटिस कर रहा था और तूने अपना कारनामा कर ही लिया, तेरी ना पूरी वीडियो बन गई है, अपना तुझे कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी। लेकिन साहब जी उसके बाद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे हम, अब हमें सबक मिल गया कि हमारी ये छोटी सी नादानी की वजह से क्या चीजें हो रही हैं, लोगों के साथ में हम गलती कर रहे हैं तो भगवान तो हमारे साथ गलती करेगा ना। अरे बाहर में गई माफी, चुपचाप से ऐसे थाने चलो, थाने में ले जाके तुम्हारी कुटाई लाऊंगा, कम से कम 1 साल के लिए जेल में डालूंगा, जब सुधर होगे तुम लोग चलो ऐसे।